हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, और इसके लिए मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिखा है। जब मैं सारे क्वेश्चंस को डील कर दूंगा, समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। और परिमेय संख्या क्या है ये मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें आपको बताएंगे परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, ये भी जान लीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 99 परिमेय संख्या निकालना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 99 परिमेय संख्या निकालना मैं आपको बताऊंगा दो परिमेय संख्या के बीच 3 और 4 के बीच। आप देख रहे होंगे 3 और 4 लगातार संख्या है। पहले तो सोचने वाली बात यह है कि 3 के बाद फौरन 4 आ रहा है, तो दिखने में यह लग रहा है कि 3 के बाद फौरन 4 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो इसके बीच में संख्या कहां बचती है। लेकिन नहीं, 3 और 4 के बीच मैंने क्या कहा, 99 संख्या नहीं, बल्कि एक दो संख्या नहीं, बल्कि 99 संख्या आपको निकाल कर दिखाएंगे। और ये भी बता दें कि 3 और 4 के बीच सिर्फ 99 संख्या ही नहीं होती है, बल्कि अनगिनत संख्या होती है, अनगिनत, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और दिखने से तो लग रहा है कि 3 और 4 के बीच एक भी संख्या नहीं है, मगर अभी हम आपको 99 संख्या निकाल कर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अनगिनत संख्या कैसे होती है। आप देखिए 3 और 4 के बीच का मतलब हुआ 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो आप देखिए 3.01 अगर हम लिखें तो ये 3 और 4 के बीच है, मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम 3.02 लिख दें तो ये 20 के बीच हुआ, 3.03 लिख दें तो 20 के बीच हुआ, 3.04 लिख दें तो भी ये इसके बीच हुआ, और इसी तरह से आगे पहुंचे जाइएगा तो लास्ट में मिलेगा 3.99। यानी इस सीरीज में आपको 99 रैशनल नंबर्स मिल जाएगा। और आप इस क्वेश्चन में है कि 99 परिमेय संख्या निकालना है, तो ये आंसर हो गया। अब जाहिर सी बात है कि 99 नंबर्स तो नहीं लिखेंगे, आपको बता दिया कि इसी तरह से बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये आएगा और इस तरह से 99 संख्या मिल जाएगा। पूरा लिखना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह से अब ये तो आंसर हो गया, लेकिन अब आपको हम साथ में ये भी बताएं कि 3 और 4 के बीच अनगिनत संख्या कैसे होती है। आइए देखिए, जैसे मैंने 3.01 लिखा तो पहली संख्या हम 3.001 भी लिख सकते हैं, ये भी 3 और 4 के बीच है। दूसरी संख्या 3.002 भी लिख सकते हैं, तीसरी संख्या 3.003 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको मिलेगा लास्ट में, इस सीरीज में लास्ट में 3.999, मतलब यानी कि इस सीरीज में आपको 999 रैशनल नंबर्स मिल जाएगा, यानी परिमेय संख्या, और वो भी किसके भी 3 और 4 के भी। ठीक है, अब आइए, अगर पहली संख्या मान लीजिए हम 3.0001 लिखते हैं तो भी ये भी लिख सकते हैं, ये भी 3 से बड़ा और 4 से छोटा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा 3.0002, तीसरी संख्या क्या होगा 3.0003, इसी तरह से बढ़ता जाएगा और लास्ट में मिलेगा, इस सीरीज में लास्ट में मिलेगा 3.9999, मतलब इसमें इस सीरीज में 9999 परिमेय संख्या आपको मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसका तो अंत ही नहीं है, यानी इस तरह से ऐसे बढ़ा दीजिए और इस तरह से ऐसे बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ 3.01 फिर 3.001 फिर 3.0001 फिर आगे भी बढ़ता जाएगा 3.0001
01 इस तरह से उस तरफ भी बढ़ रहा है और इस तरफ भी बढ़ रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या का अंत ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमको 99 परिमेय संख्या लिखना था तो आप इस सीरीज को लिखेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये बता दें कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को कहा गया कि 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों को कहा गया कि 3 और 4 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए, सिर्फ दो परिमेय संख्या। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और दूसरे स्टूडेंट बी है, एक ने आंसर दिया 3.01 और 3.02 और एक ने आंसर दिया 3.03 और 3.04, दोनों का आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आंसर किसी एक का सही और एक का गलत, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों का आंसर सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए और अगर वो 10 स्टूडेंट है और 10 ने अलग अलग मान दिया है तो हो सकता है कि 10 का आंसर सही हो। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब बुक में आंसर परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए और आप आंसर खोजिएगा आंसर शीट वाले पेज में, तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो और आंसर मैच भी नहीं हो, ठीक है। और क्यों ये आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि आपने बनाया हो ये वाला और आपके आंसर शीट में आंसर ये वाला हो, तो मैच तो नहीं करेगा आंसर, लेकिन आपका आंसर सही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं दूसरा क्वेश्चन, 1.1 और 1.2 के बीच 16 परिमेय संख्या निकालना, 1.1 और 1.2 के बीच 16 परिमेय संख्या निकालना है, 16 परिमेय संख्या। तो देखिए 1.1 को 1.1 को हम लिख सकते हैं 1.100 और 1.2 को लिख सकते हैं हम 1.200। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो अंक आता है उसके बाद जीरो छिपा रहता है, आप जितना जीरो चाहे दे सकते हैं, जैसे आप 1 जीरो भी दे सकते हैं, 2 जीरो भी दे सकते हैं, 3 जीरो भी दे सकते हैं, याद रखिएगा दशमलव के बाद जो अंक होता है उस अंक के बाद जितना जीरो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों में 2-2 जीरो दे दिया और दशमलव के बाद बराबर अंक कर दिया, बराबर अंक का मतलब दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी दोनों में दशमलव के बाद 3 अंक हो गया और दोनों में मैंने 2 जीरो जीरो दे दिया। आप चाहे तो 3 जीरो जीरो भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 4 जीरो भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 5 जीरो भी दे सकते हैं, यानी दशमलव के बाद जो अंक आता है जैसे 1 और 1 यहां 2, इसके बाद आप जितना जीरो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम, क्योंकि 1.1 इसके बराबर है और 1.2 इसके बराबर है, तो हम इन दोनों के बीच 16 परिमेय संख्या निकालें या इन दोनों के बीच 16 परिमेय संख्या निकालें, एक ही बात है। इन दोनों के बीच 16 परिमेय निकालने का मतलब कि हम इन दोनों के बीच 16 परिमेय निकाल रहे हैं, मतलब मेरे कहने का यह हुआ कि 1.1 और 1.2 के बीच या 1.100 और 1.200 के बीच दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब 1.100 और 1.200 के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं, तो पहला हो जाएगा 1.101। अब देखिए आप 1.00 के बाद क्या आएगा, 1.01, 1.00 के बाद क्या आएगा, 1.01, फिर क्या आएगा 1.102, फिर क्या आएगा 1.103, इसी तरह से आता रहेगा 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109,
1.11, 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
1.1 और 1.2 के बीच, ठीक है। आपको 16 परिमेय संख्या निकालना था, मैंने निकाल दिया, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहां अंत नहीं हो गया, इसके बाद भी आगे बढ़ता जाएगा और ये जाएगा 1.99 तक, 99 तक जारी रहेगा। 1.100 और 1.200 के बीच में कई परिमेय संख्याएं हैं, शुरू होगा 1.101 से और अंत होगा 1.99 तक, लेकिन हम इसे नहीं लिखेंगे, इसलिए कि मुझे कहा गया प्रश्न में, क्वेश्चन में कि 16 परिमेय संख्या निकालना है, तो मैंने 16 परिमेय संख्या लिख दिया। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न के उत्तर को, आंसर को आपने जान लिया। अब आइए मैं बताऊं तीसरे, और हाँ ये फिर मैं बता दूंगा कि मान लीजिए 16 परिमेय संख्या निकालना है, किसी ने यहां से आंसर यहां दिए, यहां तक दिया, हो सकता है कि कोई और बच्चा यानी स्टूडेंट इसके बाद का आंसर दे, इसके बाद से 16 परिमेय संख्या लिख दे, तो उसका भी आंसर सही है, पहले वाले स्टूडेंट का भी आंसर सही होगा और दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा बट आंसर सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 एवं 1/3 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालना, 1/2 एवं 1/3 के बीच, ठीक है। आप यहां देख रहे होंगे अब जो प्रश्न दिया गया है वो भिन्न में, मतलब फ्रैक्शन में, अभी तक जो था वो फ्रैक्शन में नहीं था, जैसे यहां 3 और 4 फ्रैक्शन में नहीं था, 1.1 एंड 1.2 फ्रैक्शन में नहीं था, और यहां फ्रैक्शन में है, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब आइए देखिए कैसे बनेगा, पहले वाले फ्रैक्शन को हम मान लेंगे ए और दूसरे वाले फ्रैक्शन को मान लेंगे बी, ठीक है। अब इस तरह से आपको यहां पर निकालना है तीन परिमेय संख्या, देखिए तीन, तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी बाय टू, याद रखिएगा तो a का वैल्यू कितना है 1/2 और b का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है, और ये वाला टू यहां होगा, राइट। अब उसके बाद 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होता है आपको पता है, देखिए a का वैल्यू क्या रखा 1/2 जो यहां देख लिया, और b का वैल्यू, बी का वैल्यू 1/3 है, मैंने बी की जगह पर रखा, ए का वैल्यू यहां, बी का वैल्यू यहां, और ये वाला प्लस ये वाला 2, अब 2/3 का एलसीएम 6 होता है आपको पता है, तो 2 से 6 को मैं डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो गया, फिर 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 2 आएगा, और ये वाला 2, फिर क्या हुआ 3 × 2 कितना हुआ 5/6, और ये वाला है 2 तो कितना हो गया 5/2, ये हो गया पहला परिमेय संख्या। अब लिखेंगे दूसरा निकालने जा रहे हैं, दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहला परिमेय संख्या जो आपने निकाला है पहला परिमेय संख्या ये वाला, और यहां लिखेंगे a, इसमें a लिखेंगे b नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब पहला परिमेय संख्या कितना है आपने यहां निकाला है 5/12 और प्लस ये वाला, और a का वैल्यू देखिए यहां है 1/2, यहां 1/2 लिखेंगे और ये वाला 2 लिखेंगे, राइट। अब उसके बाद 12 और 2 का एलसीएम आपको पता है 12 होता है,
12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और ये वाला हो गया 2, तो कितना हो गया 5 और 6 11, 11 बाय 12 इंटू 2 यानी 11 बाय 24, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 5 बाय 12 ये वाला वैल्यू और 1 बाय 2 ये का वैल्यू, तो इस तरह से 12 बाय 2 12 से हुआ, और 12 1 बाय 12 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 5 एंड 6 11 एंड यहां हो गया 2 ये 12 और ये वाला 2, फिर 11 हो गया, 12 2 का हो गया 24, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम कितना, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला परिमेय संख्या लिखेंगे, पहला परिमेय संख्या जो आपने यहां निकाला था 5/12, और यहां पर ए नहीं लिखेंगे बल्कि आप बी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला परिमेय संख्या कितना निकाला था 5/12, ठीक है, और यहां बी का वैल्यू देखिए कितना है 1/3 है और बटा 2, राइट। 12 और 3 कैल्सियम आपको पता है 12 होता है, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ 12 एंड 3 कैल्सियम 12, 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 से 4 को डिवाइड किया तो 4 आए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आए, ठीक है। और ये हो गया 2, तब कितना हो गया, अब हो गया 5 एंड 4 9 बाय 12 इंटू ये हो गया 2, ठीक है। अब 3 का 9 और 3 4 का 12, तो अब आंसर कितना हो गया 3/4 का 8, ठीक है। तो आप देखिए 1/2 एंड 1/3 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, 5/12, 11/24 एंड 3/8, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन आंसर हुआ 1/2 एंड 1/3 के बीच का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक खास बात मैं बताऊंगा जो मैंने नहीं बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को तो मैंने बता दिया, एक चीज मैं बताऊंगा और 1/2 एवं 1/3 में, इसमें देखिए ये 1/2 और 1/3 में देखिए डिनोमिनेटर जिसको हम हिंदी में कहते हैं हर, देखिए हर असमान है, असमान मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो 1/2 भिन्न है, 1/3 भी भिन्न है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और दोनों का डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हम हर कहते हैं दोनों असमान है। तो जब अगर असमान रहेगा, असमान यानी कि नीचे वाला वैल्यू अगर असमान है तो उस मेथड से बनेगा जिस मेथड से मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 4 बताएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है 3/5 एंड 4/5, 3/5 एवं 4/5, इसमें आप देखिए साथ बात क्या है, इसमें भिन्न का हर अलग समान है, इसमें भिन्न का हर क्या है समान है, इसमें भी हर कितना है 5, इसमें भी हर कितना है 5, तो दोनों में समान है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था भिन्न का हर, भिन्न का हर यानी 2 और 3 असमान था, ठीक है। तो असमान जब रहेगा तो उस मेथड से बनेगा जिस मेथड से मैंने आपको अभी बताया, और अगर समान रहेगा समान, ठीक है, अगर डिवाइडर यानी कि हर यानी कि नीचे वाला मान, देखिए सीधी बात बता रहा हूं, अगर डिवाइडर सॉरी डिवाइजर नॉट डिवाइडर डिवाइडर या जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में हम कहते हैं हर या फिर सिंपल वे में नीचे का मान, तो अगर नीचे का मान अगर समान है तब क्या होगा,
तब आप किस मेथड से बनाएंगे, तब ऐसे वाले प्रश्न को हल करने के लिए दो मेथड है, एक वो मेथड है जिससे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था और एक और मेथड है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आइए चले सीखें क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाते हैं। इसमें 3/5 और 4/5, 3/5 एवं 4/5, देख लीजिए दोनों में समान है नीचे का मान। इसमें भी क्या करेंगे, ए का मान मान लेंगे 3/5 और बी का मान मान लेंगे, यानी 3/5 को ए मान लेंगे और 4/5 को बी मान लेंगे, यानी ए बराबर 3/5 और बी बराबर 4/5, बस उसी तरह से बनेगा जैसे मैंने पहले बताया था। पहला परिमेय क्या होगा, ए प्लस बी बटा 2, ए का मान देखिए 3/5 लिखेंगे और बी का मान 4/5 लिखेंगे बटा 2, एलसीएम निकालेंगे 5 और 5 का तो 5 आएगा, ऊपर में 3 आएगा और यहां 4 आएगा, यहां 2 आएगा, ठीक है। अब यहां 3 और 4 7 हुआ, यहां 5 होगा गुना 2 होगा, इस तरह से 7/10 होगा। ये हो गया पहली परिमेय संख्या। अब निकाल रहे हैं हम दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, बिल्कुल वैसे बनेगा। फिर क्या लिखेंगे, पहला परिमेय संख्या जैसे मैंने पहले बताया था, यहां लिखेंगे ए बटा 2। अब पहला परिमेय संख्या निकाला है 7/10 और ए का मान देखिए 3/5 है, 3/5/2, यहां क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहां 2 तो कितना हो गया, यहां हो गया आपका, यहां बता यहां लिखते हैं 7 और 6 कितना हो गया 13/10 गुना 2 तो कितना हो गया 13/20, 13/20, 5 गुना 10 2 3 6 तो 7 6 13/10 और ये 2, समझ गए, ये दूसरी परिमेय संख्या हुआ। अब आइए तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, पहला परिमेय संख्या जैसे पहले बताया था और यहां b लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे, पहला परिमेय संख्या देखिए 7/10 है तो 7/10 लिखेंगे, ठीक है, प्लस b का मान देखिए 4/5 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और यहां 2 तो कितना हो गया 7/8 15/10 गुना 2, ठीक है, 5 से 15 को काटेंगे 3 आएगा, 5 से 10 को काटेंगे 2 आएगा, तो ऊपर में क्या हो गया 3 और नीचे में 2 2 गुना 4, तो आप क्या देख रहे हैं, पहले में क्या आया 7/10, दूसरा परिमेय 13/20, तीसरा परिमेय 3/4, ठीक है। आप देख लीजिए यहां पर हम तीनों का मान लिख देते हैं 7/10, उसके बाद 13/20 और 3/4, ये हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो 7/10, 13/20 और 3/4 तीनों मान मैंने लिख दिया है। अब देखिए 3/5 और 4/5 जिस मेथड से मैंने आपको बताया, ये वही मेथड है जिस मेथड से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को जिस मेथड से बनाया उसी मेथड से बनाया जिस मेथड से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया था, मगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम सिर्फ इसी मेथड से नहीं बना सकते, एक और मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो परिमेय संख्या है इसमें खास बात यह है कि मैंने पहले बताया कि नीचे का जो वैल्यू है वो समान है, अगर नीचे का वैल्यू समान रहेगा जिसको हम लाइव फ्रैक्शन कहते हैं, तो फिर इसे दो मेथड से बताएंगे, एक वो मेथड जिसे मैंने बताया और एक अभी और एक मेथड से हम बताएंगे।
वो मिक्सअप क्या है आइए बताएं। देखिए सेकंड मेथड यहां पर लिख देते हैं, सेकंड मेथड, और पहले जिस मेथड से बनाया था वो था फर्स्ट मेथड। देखिए इसको क्या करेंगे, आप यहां पर देखिए कितना निकालना है परिमेय संख्या, यहां पर तीन परिमेय संख्या निकालना है, क्या लिखिएगा तीन। तो अगर तीन परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीन बटा पांच जो भी पहला मान लिखा हुआ है तीन बटा पांच, इसको हम गुना कर देंगे किसे, जितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है तीन, देख रहे तीन लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ उससे एक ज्यादा से, जैसे तीन लिखा हुआ है तो चार से गुना करेंगे, चार लिखा रहेगा तो पांच से गुना करेंगे, पांच लिखा हुआ है तो छह से गुना करेंगे, यहां कितना लिखा हुआ है तीन, तो हम कितना से गुना करेंगे चार से, और चार से किसको गुना करेंगे, तीन बटा पांच में तीन को क्या कहते हैं अंश और पांच को क्या कहते हैं हर, तो हम चार से गुना करेंगे अंश को भी और हर को भी, क्या रखेगा ऊपर वाले वैल्यू को भी और नीचे वाले वैल्यू को भी उसी से गुना करेंगे, यहां कितना आ जाएगा बारह बटा बीस आ जाएगा। अब दूसरा कितना है चार बटा पांच, चार बटा पांच को भी हम गुना करेंगे उसी से, मतलब चार से, तो कितना आ जाएगा सोलह बटा बीस। देख रहे हैं आप, फिर से बता दें यहां कितना लिखा हुआ है यहां पर तीन, तो आप किससे गुना करेंगे चार से, चार से किससे गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे तो भिन्न के अंश को भी और भिन्न के हर को भी, दोनों में, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में, तो यहां कितना है बारह बटा बीस, तो ये बारह बटा बीस और तीन बटा पांच दोनों एक ही है, उसी तरह से सोलह बटा बीस और चार बटा पांच दोनों एक ही है, मतलब तीन बटा पांच और बारह बटा बीस दोनों का मान समान है, चार बटा पांच और सोलह बटा बीस दोनों का मान समान है, यानी आप तीन बटा पांच और चार बटा बीस, चार बटा बीस के बीच का मान निकाले, या फिर बारह बटा बीस और सोलह बटा बीस के बीच का मान निकाले, एक ही बात है। तो मतलब ये कि हम निकालने जा रहे हैं प्रश्नानुसार तीन बटा पांच एवं चार बटा पांच के बीच, ठीक है, प्रश्न के अनुसार तीन बटा पांच एवं चार बटा पांच, या फिर उसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं तीन बटा पांच का मान कितना है बारह बटा बीस, तो देखिए बारह बटा बीस एवं चार बटा पांच का मान कितना है सोलह बटा बीस, तो देखिए सोलह बटा बीस के बीच। अब देखिए बीस क्या आंसर आएगा, बारह के बाद क्या है तेरह, तेरह बटा बीस, तेरह के बाद चौदह, चौदह बटा बीस, चौदह के बाद पंद्रह, पंद्रह बटा बीस, अब पंद्रह के बाद सोलह नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको बोला जा रहा है बारह और सोलह के बीच, तो जाहिर सी बात है तेरह से शुरू होगा और पंद्रह पर जाकर अंत हो जाएगा, और वैसे भी आपको तो तीन ही निकालना है एक दो तीन, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चार का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निकाला, दूसरे मेथड से क्या निकाला, तेरह बटा बीस, उसके बाद चौदह बटा बीस, उसके बाद पंद्रह बटा बीस, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे कि देखने में लग रहा है क्या कि आंसर अलग अलग है, पहले मेथड का आंसर ये है और दूसरे मेथड का आंसर ये है, तो आंसर तो गलत है इसका मतलब, लेकिन नहीं आंसर सेम है, कैसे, आप यहां डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर यहां देखिए यहां डिवाइड कीजिए, टू से काटिए, टू से मंगा फोर्टीन और टू से ट्वेंटी को काटिए टेन, कितना आ गया सेवन बाय टेन, देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहां देखिए काटिए, फाइव थ्री का फिफ्टीन, फाइव फोर का ट्वेंटी, यहां भी कितना आया थ्री बाय फोर आ गया ना, और ये थर्टीन बाय ट्वेंटी तो है ही है, आप देख सकते हैं ना, आ गया ना वही मान, देख लीजिए वही चीज है, तो आप लग रहा था कि अलग है लेकिन नहीं सब वही है, सात सात बटा दस देखिए आ गया, ठीक है आ गया ना, तेरह बटा बीस देखिए यहां है, और देखिए तीन बटा चार भी यहां है, तो दिखने में लगेगा अलग अलग है मगर मान वही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहां लिख दिया था दिखाने के लिए कि देखिए दोनों मेथड में हो सकता है कि आंसर जो आए वो दिखने में भी ऐसा नहीं लगे बट वो एक ही होगा, और ये भी जानेंगे कभी कभी ऐसा भी होगा कि वही आंसर नहीं आएगा फिर भी आंसर सही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, ठीक है, चार क्वेश्चन आपके सामने हैं और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपकी बुक्स में भी मिलेगा, सिर्फ मान बदलता रहेगा, यहाँ पर तीन और चार है तो कुछ और रहेगा, यहाँ पर 1.1 एंड 1.2 है तो आपकी बुक्स में कोई और रहेगा, 1/2 एंड 1/3 की जगह पर कोई और मान रहेगा, 3/5 एंड 4/5 की जगह पर कोई और मान रहेगा, याद रखिएगा अगर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है यानी
जैसे यहां भी फाइव है, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो प्रश्न है वो दो मेथड से बनेगा, एक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था और एक जो अभी मैंने बताया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को दो मेथड से बनाया जा सकता है। तो मैंने सभी सबको समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर भी अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो जरूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर जरूर करें ताकि न सिर्फ आपको एजुकेशन मिले बल्कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं वीडियो से, तो वो भी इस वीडियो से सीखें और उनको भी फायदा पहुंचे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, गुड वर्क है, गुड जॉब है। तो आप न सिर्फ आप सीखें बल्कि दूसरों को भी शेयर करें और उनको भी सीखने का मौका दें। ओके, बाय बाय।